क्या आप जानते हैं जिस ईवीएम से आप वोट डालते हैं वो कितने रुपए की आती है? क्या आप जानते हैं जिस ईवीएम से वोटिंग करते हैं क्या उसको हैक किया जा सकता है? उस मशीन की कीमत कितनी होती है? ईवीएम कैसे काम करती है? क्या होती है ईवीएम? पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? क्या ईवीएम चलाने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है? एक ईवीएम में कैंडिडेट की संख्या कितनी हो सकती है? और कौन बनाता है ईवीएम? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब काफी दिलचस्प हैं। आप भी इन सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह से एक ईवीएम जनप्रतिनिधि चुनने में मदद करती है। चुनाव आते ही ईवीएम पर चर्चा शुरू हो जाती है क्योंकि कई बार ईवीएम हैक करने के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। जब हर तरह चुनाव और ईवीएम पर बात हो रही है तो इस बीच हम आपको बताते हैं कि ईवीएम से जुड़ी वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो यूनिट से बनी होती है जिसमें एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक बैलेटिंग यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम कई बैठक, प्रोटोटाइप की परीक्षण जांच एवं व्यापक फील्ड ट्रायल के बाद दो सरकारी कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार और डिजाइन की गई है। भारत में पहली बार नवंबर 1998 में आयोजित 16 विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 5, राजस्थान की 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 6 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। ईवीएम 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी से चलती है। इस वजह से ईवीएम का इस्तेमाल ऐसे इलाके में भी किया जा सकता है जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। आमतौर पर भारत में एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता वोट देते हैं। इस हिसाब से एक ईवीएम में पर्याप्त संख्या में वोटर वोट डाल सकते हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपको ईवीएम पर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी फोटो भी दिखती है। इसके साथ ही आपको ईवीएम के साथ वीवीपैट लगी दिखेगी। जब आप वोट डालेंगे तो आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें आपके वोट की जानकारी होगी। ईवीएम ले जा रहे वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होता है जिससे ईवीएम की लोकेशन का पता चल सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करीब 5 मीटर केबल से जुड़ी दो यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट होती है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है। इसकी बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी होती है। वोटिंग कंपार्टमेंट के जरिए ही आम मतदाता वोट डालता है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। एक वोटिंग मशीन में 16 नाम होते हैं और अगर किसी इलाके में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है तो वहां ईवीएम की संख्या बढ़ा दी जाती है। अगर किसी इलाके में उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो वहां मत पत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं ये ईवीएम कितने रुपए की आती है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार M3 ईवीएम की लागत लगभग 17,000 रुपए प्रति यूनिट है। आपको लग रहा होगा कि यह लागत बहुत ज्यादा है लेकिन सही मायनों में बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से खर्च कम होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर निर्वाचन के लिए लाखों की संख्या में मतपत्रों की प्रिंटिंग, उनकी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज के अलावा वोटिंग काउंसिल स्टाफ में होने वाले खर्च की भरपाई ईवीएम से हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोजांग टाइम्स।